ऑल ट्राइबल स्टेट यूनियन मणिपुर है उसने चुरचांदपुर में इस जजमेंट को लेकर के हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर के सॉलिडेरिटी मार्च निकाली और वहाँ हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने में कितना सेकेंड लगता है जबकि नफरत अंदर में उपजी पड़ी हो, पूरा का पूरा एक कौम, पूरा का पूरा एक समुदाय धर्मांतरित हो गया हो और इस पर सरकार का ध्यान न हो, जबकि ये जो जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सत्ता थी, पांच पांच मुख्यमंत्री वहाँ रहे हुए हैं, उनकी बेचैनी है, उन्होंने दंगा करवा दिए। मैं कहता हूँ कि दंगा करवाने वाले क्या ज़्यादा ताकतवर हैं उससे कि जो सत्ता में है और दूसरे टर्म में है केंद्र, डबल इंजन की सरकार जहाँ है वहाँ मैतेई समुदाय के आचार विचार मांग का सत्कार क्यों नहीं हुआ। जय सियाराम, हरिओम। मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो जान गई है, जो पलायन हुआ है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो तो अभी लगी पड़ी है द केरला फाइल्स में, द केरला स्टोरी में, वो भी बहुत जरूरी चीज़ है। इसको पता नहीं किस तरीके से, किस एंगल से बता रहे हैं मणिपुर हिंसा क्यों हुई और ये हिंसा के मायने क्या हैं, इसका आउटपुट क्या है, इसकी जड़ में क्या है। आप मेरे साथ बने रहिए, सच बताऊँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। 3 मई 2023 को मणिपुर में हिंसा भड़की। मणिपुर बोले तो मणिपुर का एक शहर है चुरचांदपुर, वहाँ हिंसा भड़की और 54 लोगों की मृत्यु हो गई और कहते हैं कि 9000 लोग का पलायन हो गया। एक डाटा कुछ गलत ना हो जाए इसके लिए मैं सब कुछ नोट करके लाया हूँ, मैं देख देख के बताता रहूँगा, जो सच है सच के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये चुरचांदपुर जो जगह है वहाँ मैं 20 साल पहले गया था जब मैं दूरदर्शन के लिए एक ट्राइबल्स आदिवासियों की ज़िंदगी पे फिल्म बनाने के लिए गया था। तो उसमें आप लोग जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे कि 32 CRPF के जवानों की हत्या कर दी थी इसी चुरचांदपुर में। उसे अगले दिन मैं गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वहाँ के लोग जितने सहृदय मिले, जितने अच्छे मिले, जितने वेलकमिंग मिले, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन वहीं पे वर्दी में जो CRPF होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं, उनकी तो हत्या हुई ना, नफरत के बीज बो दिए गए थे। खैर, फिलहाल जो ये मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसकी जड़ में क्या है ये मैं बताने के लिए आया हूँ। देखिए क्या हुआ, 3 मई 2023 को चुरचांदपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर जिसको कि शॉर्ट में एटसम कहते हैं, ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला था और उनकी मांग थी कि हमें आरक्षण दो। देखिए इसको, ये बेसिक पॉइंट है, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च जो एट सम ट्राइब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने निकाला था कि हमें आरक्षण दो। किस बात का आरक्षण दो, तो हमें ST का आरक्षण दो। ये कौन लोग हैं, ये मैतेई के लिए मांग रहे थे। मैतेई कौन है, वहाँ के हिंदू हैं, मणिपुरी हिंदू सनातनी परंपरा को जीने वाले जो हैं, वो जो उनकी संस्कृति है उसको जो संवर्धन संरक्षण के लिए जो हैं वहाँ भी, वो मैतेई हैं, वो हिंदू समाज हैं। तो अब क्या है कि ये हिंदू समाज वहाँ बहुमत में है, आगे बात करेंगे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब ये बहुमत जो है, जो बहुसंख्यक समाज हैं मैतेई, वो जब मांगने लग गए आरक्षण, तो वहाँ जो नागा हैं, जो कुकी हैं, जो जोमी हैं, ये जो आदिवासी हैं, उनको लगा कि इसको गलत हो जाएगा, इससे उनका अधिकार छिन जाएगा, हिंसा भड़क गई। थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, मणिपुर में अभी BJP की सरकार है, अभी
एट राइट। इंडियन पीपुल्स पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर स्टेट का स्टेट विंग है, इंडियन पीपुल पार्टी, याद रखिएगा। 2017 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में। तो 2000 वहाँ मणिपुर में 60 विधानसभा है, 60, तो उसके लिए तो 31 चाहिए होगी ना मेजोरिटी के लिए। तो 2017 में इनको मिला था 21, यानी कि इनको 10 सीटें कम मिली थी, फिर भी इन्होंने सरकार बनाई थी। और 2022 में इनको 31 से एक ज़्यादा 32 सीटें मिल गई थी, तो सरकार बनी, है ना। तो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं वहाँ एन बीरेन सिंह, है ना। अब एक फैक्ट ये है कि 60 विधायकों में से जो वहाँ 60 विधायक हैं, उसमें से 40 विधायक जो हैं मैतेई समाज के हैं, जाहिर है कि वो ज़्यादा हैं, इसीलिए ज़्यादा विधायक भी उनके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासी है उधर, आपका ध्यान मैं लाना चाहता हूँ कि मैतेई जो हैं अभी आज की तारीख में वहाँ 54% हैं, मैतेई जो हिंदू आबादी है मणिपुर की 54% हैं, नागा जो हैं 34% हैं और कुकी जो है 3.7% हैं। ये परसेंटेज पर ध्यान रखिए, 2011 की जनगणना में एक जगह मैंने देखा मैतेई थे 64%, 2023 में आते आते 53 हो गए, खैर उधर भी नहीं जाते। हाँ, अब ये है कि ये जो मैतेई हैं जो इम्फाल वैली में सबसे ज़्यादा रहते हैं, इनकी जो आबादी है 53% है, 54% है अभी, और ये मणिपुर के सिर्फ 10% जो लैंड है वो ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी जो नाका कुकी और कुछ जोमी जो आदिवासी हैं वो वहाँ के 90% जमीन पर बसते हैं, ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो 40% की आबादी है मणिपुर में वो वहाँ के 90% लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जो मैतेई हिंदू हैं जो वहाँ 54% है उनके पास सिर्फ 10% लैंड है, 10% लैंड को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि मैतेई समुदाय को कोई रिजर्वेशन नहीं है, बहुसंख्यक हैं, भारत का कानून है अल्पसंख्यकों को मिलता है यहाँ, है ना, कोई टैक्स रिलीफ नहीं है उनकी, उनका जो पुश्तैनी घर है, जो ज़मीन है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो भाषा है, उसको न तो सिर्फ सुरक्षित रखना है, उसका संवर्धन भी करना है, और इसके लिए उनको रिजर्वेशन चाहिए जो कि औरों को मिला हुआ है। अब देखिए ये जो घटना है रातों रातों उठी नहीं, रातों रातों फैली नहीं, रातों रातों पनपी नहीं। मैंने बताया कि पिछले ये दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने इंटीग्रेशन का वादा किया था कि जितने भी समुदाय हैं, जितने भी आदिवासी हैं, सबका इंटीग्रेशन होगा। अब मैं आगे जो बताऊं, अब हाई कोर्ट से इस अहिंसा का संबंध क्या, ये मैं बताऊं, इससे पहले एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। 1910 में 1910 में पहली बार वहाँ मिशनरी पहुँचा, और वहाँ जाहिर है तो 1910 में तो वहाँ सिर्फ मैतेई ही थे, आदिवासी थे, कोई क्रिश्चियन नहीं था वहाँ, कोई धर्मांतरण नहीं था। 1910 में पहुँचे, 1920 तक आते आते उन्होंने अपनी जड़े जमा ली। ये 2023 है, 103 सालों में सारे कुकी जो हैं क्रिश्चियन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे नागा क्रिश्चियन हो चुके हैं। ये जो धर्मांतरित लोग हैं उनका जो धर्मांतरण एक कोर इशू है, एक कोर फंडामेंटल्स ऑफ देयर रिलीजन है, वो जो धर्मांतरित नहीं हैं, जो हिंदू हैं उनके साथ एक धार्मिक रूप से उनका एक नफरत अंदर घुसा पड़ा है। तो हिंदू वर्सेज क्रिश्चियनिटी का जो एक रिलीजियस एंगल है, जो हिंदू हैं वो तो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हें अपना धर्म, अपना आचार, अपना विचार, अपना संस्कार, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, इसीलिए वो करेंगे हमें भी आरक्षण दो, हम यहाँ बहुमत में हैं, हम ही यहाँ के ओरिजिनल हैं, हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं, सभी हैं। लेकिन वो धर्मांतरित हो गए तो उनको इतने ज़्यादा अधिकार कैसे दे दिया गया। अब क्या है कि हाई कोर्ट मणिपुर ने ऑर्डर में क्या कहा, जरा मैं पढ़ दूँ कि मणिपुर गवर्नमेंट हैड नेग्लेक्टेड टू एक्ट ऑन मैतेई इंक्लूजन इन एसटी लिस्ट।
है ना, मणिपुर की सरकार ने मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में नहीं रख करके उसने नेग्लेक्ट किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। 19 अप्रैल 2023 का ये ऑर्डर था, एक महीने पहले ये मैच चल रहा है ना, 19 अप्रैल 2023 का ऑर्डर था। हाई कोर्ट ने एक बात और कही कि डिसीजन ऑन इंक्लूजन द मैतेई कम्युनिटी, द डिसीजन ऑन द इंक्लूजन ऑफ द मैतेई कम्युनिटी इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट विल ओनली बी एग्जामिन्ड बाई द यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आफ्टर इट रिसीव्स द स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, द मणिपुर हाईकोर्ट हैड क्लेरिफाइड। अब ये है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है जो, और प्रदेश में मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। तो मणिपुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये तय करना था कि मैतेई जो समुदाय है उसको किस तरीके से संरक्षा दिया जाए, उनका संवर्धन किया जाए, उनको एसटी लिस्ट में किस तरह शामिल किया जाए, और ये उन्होंने कितना सही किया या गलत किया इसका आकलन करना था केंद्र की सरकार को, यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को। दोनों जगह भाजपा की सरकार है और हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो वो जो स्टूडेंट एट सम यूनियन है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर है, उसने चुरचांदपुर में इस जजमेंट को लेकर के, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर के सॉलिडेरिटी मार्च निकाली और वहाँ हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने में कितना सेकंड लगता है, जबकि नफरत अंदर में उपजी पड़ी हो, पूरा का पूरा एक कौम, पूरा का पूरा एक समुदाय धर्मांतरित हो गया हो और इस पर सरकार का ध्यान न हो, जबकि ये जो जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सत्ता थी, पांच पांच मुख्यमंत्री वहाँ रहे हुए हैं, उनकी बेचैनी है, उन्होंने दंगा करवा दिए। मैं कहता हूं कि दंगा करवाने वाले क्या ज़्यादा ताकतवर हैं उससे कि जो सत्ता में है और दूसरे टर्म में है केंद्र, डबल इंजन की सरकार जहां है वहां मैतेई समुदाय के आचार विचार मांग का सत्कार क्यों नहीं हुआ। ये मणिपुर हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, जो इस प्लान हुआ है, जो वहाँ CRPF असम राइफल्स के एक कितने टुकड़ियाँ वहाँ तैनात की गई हैं सुरक्षा के लिए, शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ इंटरनेट बंद है, और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। वहाँ इस कदर क्रिश्चियनिटी आई है और उस आई है तो ठीक है, लेकिन नफरत कितनी है एक दूसरे से। मैतेई ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनको क्या अधिकार नहीं है अपनी भाषा को संरक्षित रखने का, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का, अपनी जीवन शैली को संरक्षित रखने का। वो एक बहुत बड़ी बात ये भी है जो मणिपुर का कानून है, उस हिसाब से मैतेई समुदाय हिल्स पर जा करके कोई जमीन नहीं ले सकता, घर नहीं ले सकता, बस नहीं सकते। अरे एक ही स्टेट में जो वहाँ का समुदाय है मैतेई, जो वहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है, और लेकिन उसके पीछे हिंदू का टैग है, तो वैली में ही रहेगा, इम्फाल में ही रहेगा, सिर्फ 10% लैंड में ही सिमट के रहेगा, पूरे भारत में कहीं भी रह सकता है लेकिन वहां मणिपुर के हिल्स में नहीं रह सकता है। ये बेचैनी नहीं बढ़ेगी, आग नहीं सुलगेगी। ये जागरूकता जब आई है तो आदमी अपने अधिकार को नहीं मांगेगा। जो सच है वो मैंने आपसे कही, और ये जो मैतेई की जो मांग है, ये मैतेई हिंदुओं की मांग है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, तो उसके पीछे का कारण ये है कि उनकी सुरक्षा हो, उनकी संरक्षा हो, उनकी संस्कृति बचे, उनका उनकी भाषा बचे, और उनका जो दायरा है जो मणिपुर है उनका भी हो। ऐसा नहीं कि उनको 10% लैंड में, 60% जनता को 10% जमीन में सिमट के छोड़ दिया जाए और 90% बाकी 40% के लिए हो। ये बेसिक मुद्दा है आपके सामने, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चैनल ने रखा होगा, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने रखा होगा या मास्टर स्ट्रोकवादियों ने रखा होगा। बहुत आग लगती है, जलता है अंदर, क्या हो रहा है अपने ही देश में। और वो सरकार जो हिंदू चेहरा लेकर की सत्ता में आई और ये दूसरे टर्म में आई, बहुमत से आ गई, फिर भी ये हाल है, क्या बताएं।
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो आपका आचार है, विचार है, संस्कार है, जो संस्कृति है, जो दर्शन है, उस पर बने रहिए और साथ दीजिए, भरपूर समर्थन दीजिए। अभी जो मैंने कुछ कहा है और आपको लगा कि वो सही है, सत्य है, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, दो चार शब्द लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसे समझ में आए कि एक हिंदू सनातनी व्यवस्था में जीने वाला मैतेई समुदाय के साथ क्या हो रहा है मणिपुर में। जय सियाराम, हरिओम।